नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। लाइव क्लास चलाई गई थी लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू आने की वजह से उसको बीच में बंद करना पड़ा, तो अब धीरे धीरे लाइव भी चलेगा और धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी। जब कोई शुरुआत करना सीखता है तो कुछ ना कुछ गतिविधियां करती रहती हैं और उन गतिविधियों में सीखने का मिलता है। जब हमें अगर हमारी गतिविधियां बिगड़े ना, हम सुधार कैसे करेंगे? सुधार करने के लिए गतिविधियां बिगड़नी भी आवश्यक होती हैं। वो बिगड़ रहे हैं, हम लोग उसमें सुधार करेंगे। आइए बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग चल रहे थे उसी को देखेंगे। हम लोग शुरुआत से करेंगे, अब हम बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। अब हम समझ के चलेंगे कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे। आपको समय बता दिया जाएगा, टाइम एक क्लियर किया जाएगा किस टाइम में आपकी मैथ की क्लास रहेगी, ठीक है? ये भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम, पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, और जब संख्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए हम चले तो हमने देखा हमारे पास मुख्य तीन प्रकार की संख्या कौन कौन। एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, हमारे सिलेबस में है, इसको हम डिटेल करेंगे। फिर दूसरी आती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका परिचय लेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या सममित संख्याएं, रियल और इमेजिनरी नंबर का ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, सममित संख्या बन जाती है। इनका हम लोग क्या लेंगे, परिचय लेंगे। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान देना, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। हम लोग इमेजिनरी काल्पनिक संख्या को हम देख पा रहे थे कि भैया रूट के अंदर बंद ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस करें, क्या सो करें, माइनस सो करें, निगेटिव सो करें, ऋणात्मक सो करें, वो हम संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, कल्पना पे आधारित होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते नहीं, कल्पनाशील रहते हैं, कल्पना में चले जाते हैं कि जब मैं शिक्षक हो जाऊंगा ये वो करूंगा। अरे शिक्षक कैसे हो जाओगे, जब पढ़ोगे तब हो जाओगे, ठीक है? पढ़ना है नहीं है और कल्पना करनी है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोरी कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाएं हैं, इससे होने वाला नहीं है। तो किसके अंतर्गत रख दिया जाएगा, इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत रखा गया। इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आई बराबर अंडर रूट माइनस वन, तो स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो आई की पावर फोर बराबर वन हो जाएगा। आपको बात ध्यान रखना, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सममित संख्याओं की बात करते हैं। रियल और इमेजिनरी का योग होता है, जैसे 5 प्लस 2i, 2 प्लस 3i, इस टाइप की आपकी संख्याएं हो जाती हैं। ये भैया आपकी संख्याएं हो जाती हैं, ये होती हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सममित संख्या, ठीक है? इनसे आपका मैंने परिचय करा दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है? आगे लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब बात करते हैं नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत, ठीक है? हमारे पास जो वास्तविक संख्या होती है ये भैया कई प्रकार की होती है, ठीक है? कई होती है वास्तविक संख्या, पर हमारे पास कई होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे मुख्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे जो प्रमुख रूप से हैं। आइए देखते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की बात करेंगे, ठीक है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 कहां तक, इनफिनिट तक, एक से लेकर इनफिनिट तक जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल और प्राकृतिक संख्याएं होती है। जब आपकी प्राकृतिक संख्याएं आई उन्हीं के साथ साथ दो संख्याओं का और प्रादुर्भाव हुआ, दो संख्याएं और आई, एक का नाम था अनुवर्ती और एक का था पूर्ववर्ती,
एक नाम था अनुवर्ती और एक का नाम था पूर्ववर्ती। ये अनुवर्ती क्या होती है, कैसा इसका हिंदी में रूपांतरण समझ में आता है? अनु मतलब आगे, वर्ती मतलब आने वाली, जो आगे आए जस्ट आगे वाली यानी प्लस वन कर देंगे, और पूर्ववर्ती जस्ट पीछे यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं, जैसे हमने एक चीज देखी, बोले क्या हमने ये देखा कि भैया जैसे हम कह दें 23 की अनुवर्ती, क्या कह दें 23 की अनुवर्ती, 23 में एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा 24, 23 में एक जोड़ा तो क्या हो गया 24, ये क्या हो गई अनुवर्ती। अगर हम कह देते 23 की पूर्ववर्ती, अगर हम देते 23 की पूर्ववर्ती तो 23 में एक कम यानी कितना 22 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। लेकिन जो मेरे बताने का उद्देश्य था ही का नहीं था, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्या पूछा जा सकता है, ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि एक की पूर्ववर्ती, एक की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी, एक की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले वाली पूर्ववर्ती का मतलब माइनस वन, आप सोचेंगे एक हम एक माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, बोले जीरो आ जाएगा, बिल्कुल घोर अनर्थ हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया। एक की पूर्ववर्ती संख्या आप निकालेंगे, एक माइनस एक करके जीरो आना चाहिए, जीरो कदापि एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? तो जब एक की पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछी जाए, आप बताएंगे एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, कोई भी नहीं होती, कोई भी नहीं होती। ठीक है, कोई भी नहीं होती। अब बात करते हैं कोई भी नहीं होती मतलब, कोई भी क्यों नहीं होती, अब आपके माइंड पे तुरंत क्वेश्चन उठेगा कि भैया कोई भी क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो जब कोई भी नहीं होती है, ये बोला गया, आप हमेशा ध्यान रखना जब हमारे पास ये अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याएं, ये कब आई, जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी, और जब प्राकृतिक संख्या में हमने ध्यान से देखा तो हमने ये पाया ये एक से इनफिनिट तक था, कहीं जीरो थी, बोले जीरो नहीं थी, और जब जीरो नहीं थी तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, इसको गांठ मान लेना, और क्वेश्चन पूछा गया है इस वजह से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि एक कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, तो ये मैंने आपको बीच में ज्ञान दिया क्या अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बात की प्राकृतिक संख्या की, अब वैसे ही हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या आती है, पूर्ण संख्या क्या आती है, पूर्ण संख्याएं आती है। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर आती है। तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो को शामिल कर देते हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो को शामिल करते हैं तो हमारी वो संख्याएं क्या होती हैं, वो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जीरो से लेकर के इन्फिनाइट तक हम क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे करते हैं, हमारे पास होते हैं पूर्णांक, क्या होता है पूर्णांक होता है, पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, जब हम पूर्ण संख्या की श्रेणी में प्राकृतिक संख्या से क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से क्या पूर्णांक, जब हम पूर्ण संख्या
की श्रेणी में ऋण चिन्ह वाली निगेटिव चार्ज वाली संख्याएं ले लेते हैं तो वो हमारी संख्याएं हो जाती हैं, वो हमारी संख्याएं हो जाती हैं भैया पूर्णांक, ठीक है, ऐसे करके होती हैं। ठीक, तो हमारे पास जो पूर्णांक होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर। ठीक है, धन चिन्ह के साथ आने वाले धनात्मक पूर्णांक और ऋण चिन्ह के साथ आने वाले ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये भी बात आपको रखनी है। ठीक है, अब आपके माइंड पे एक विचार आता होगा सर जीरो क्या है, तो जीरो आपका केवल पूर्णांक है, इसको न पॉजिटिव लिया जाता है और ना ही निगेटिव लिया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इनके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बताई प्राकृतिक संख्या के बारे में, फिर हमने आपको बताई अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, फिर हमने आपको बताया पूर्ण संख्या के बारे में, फिर हमने आपको बताया पूर्णांक के बारे में, अब हम लोग आगे बात करेंगे सम और विषम के बारे में। किसके बारे में, सब कुछ आपको पता है, आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा आपको, आपको आता हो चाहे ना आता हो, सम और विषम की हम लोग चर्चा करें। तो हम लोग देखेंगे सम होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में जीरो आए, दो आ जाए, चार आ जाए, छह आ जाए, आठ आ जाए, वो हमारी संख्याएं सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, और जिनके अंत में एक आ जाए, तीन आ जाए, पांच आ जाए, सात आ जाए, नौ आ जाए, वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इतना तो आपको पता है। अब हम लोग एक और बात ध्यान से देखेंगे, एक हमारे पास होती है परिमेय संख्या, क्या होती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमारे पास जो रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, तो हम लोग ये देख पाते हैं कि जो हमारे पास परिमेय संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 लिखा है, 2/3 लिखा है, 3/4 लिखा है, 4/5 लिखा है, 6 लिखा है, भी परिमेय क्योंकि 6/1 लिख सकते हैं, 7 लिखा है तब भी परिमेय क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं। ठीक, अब एक बात और, जैसे कभी आपके माइंड में ये आ जाए सर जीरो क्या है, जीरो परिमेय है कि नहीं, बोले बिल्कुल है, जीरो आपकी परिमेय संख्या है, बोले कैसे है, क्योंकि हमारी जो डिफिनीशन है इसकी कहती है पी अपान के रूप में लिखा जा सके, तो जीरो अगर होगा तो 0/1 लिख सकते हैं, नीचे वाले को कंडीशन दी गई क्यों कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की कंडीशन कदाप नहीं दी, पी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है, तो अगर पूछ दे क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो आपको आंसर देना है जी सर जीरो एक परिमेय संख्या है, और पूरा आप उसको कारण बता सकते हैं। क्लियर, अब आगे बात करते हैं अपरिमेय, किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। ठीक है, ये भैया ये चीजें आपको बिल्कुल आसान लगती है, लेकिन देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत टफ है। ठीक है, इन्हीं में से लोचा होता है, और तो बड़ी बड़ी चीजें तो हम लोग सीखते हैं। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम लोग जब, तो हम लोग ये देख पाते हैं कि ऐसी संख्याएं
जिन्हें हम पीएमक्यू के रूप में नहीं लिख पाते, ऐसी संख्याएं जिन्हें पीएमक्यू के रूप में नहीं लिख पाते। अब समस्या आई, बोले सर ये कौन संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख पाते हैं? तो हमारे पास अगर आर भी लगा हो संख्या के ऊपर वो भी लिखा जा सकता है। तो कौन ऐसी संख्याएं होती हैं? तो लोग बता देते हैं कि भैया रूट के अंदर बंद ऐसी संख्याएं जिनको रूट के बाहर आसानी से निकाला नहीं जा सकता, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही पाई रख दिया है। अब एक बात हमारे सामने से गुजरती है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि हम लोग ये देख पाते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये चीज देख पाते हैं कि कहां जो हमारे पास रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, इस टाइप जो चीजें चल रही हैं, रूट फाइव हो गया डेड 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 डेस करके और पाई हो गया, ये किसके अंतर्गत आती हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब एक बात आपके माइंड पे आती है कि सर छोटे में तो हमने एक चीज पढ़ी है, हमने कहा क्या, हमने रूट टू की वैल्यू 1.414 ये छोटे में पढ़ी है। तो कहते हैं कि दशमलव हटाया, एक यहाँ नीचे है, तीन जीरो बढ़ाया तो 1400/1000 हो गया, पी अपान क्यू के रूप में लिख तो पाए, तो कैसे परिमेय विचार करना चाहिए आपको। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो ये चीजें बोली गई कि भैया जो रूट टू अपने सॉल्यूशन के लिए 1.414 लिखते, लेकिन अभी आगे चलता भी रहता है और रिपीट नहीं होता, आगे तक बढ़ता भी और कभी रिपीट नहीं होता, इस वजह से पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख पाते। यही केस के साथ भी होता है, पाई का मान 22/7 लिया जाता है, वो भी लगभग में लिया जाता है। पाई को अगर 22/7 के साथ रिलेट कर दे, ठीक है, अगर रिलेट कर दे क्या होगा, अगर रिलेट करता है तो हम जानेंगे कि पाई क्या है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 को सिंगल दे दिया जाए तो 22/7 आपकी क्या होती है, 22/7 आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आगे हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे और लाइव भी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।